वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। भाई आज ही सुबह एक वीडियो मेरे पास आती है और उसमें भाई एक किसी बंदे ने मुझे अपनी मुर्गी को दिखाया, जिसमें भाई उसकी मुर्गी की गर्दन काफ़ी हद तक टेढ़ी हुई पड़ी थी काफ़ी दिनों से। वो छोटा चूजा था, मतलब कुल मिलाकर मुर्गी। तो आज वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फॉर्म पर भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते तो भाई उसे कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करना है, इससे पहले कि वो बीमारी या फिर वो दिक्कत किसी और मुर्गी में फैले या फिर उससे उस मुर्गी की डेथ हो। तो इसे भाई दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो इसे रानीखेत भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही सिम्टम्स दिखता है। भाई तुम्हारी जो मुर्गी है या चूज़ा है उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगती है, उसकी आंखों से पानी आने लगता है, उसका मुंह खुला खुला होने लगता है, मतलब वो मुंह खोले लगती है और उसके मुंह से खर खर करके आवाज़ आती है। दूसरा ये लकवा हो सकता है, भाई तुमने देखा होगा चाहे इंसान हो या जानवर हो, भाई कैसे भाई मतलब हर तरीके से मतलब सबको ये लकवा मार जाता है रे भाई। और भाई आप लोगों को एक और बात मैं बताऊं, आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये बीमारी ये जो लकवा वाली है गर्दन जो टेढ़ी कर रहे हैं भाई गर्मियों में ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा क्यों भाई, कारण मैं बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा कारण ये है कि भाई जो हीट स्ट्रोक, मान के चलो आप लोगों ने टीन लगा कर रखी है अपने फार्म के ऊपर, लेकिन उसमें बोरा या फिर जो प्याल होता है पैरा वगैरह होता है उसे नहीं डाल रखा, या फिर किसी तरीके से आप ठंडक नहीं पहुँचा रहे हो और गर्मी बहुत आ रही है आपके फार्म के अंदर, तो इससे क्या होता है हीट स्ट्रोक इनको हो जाता है मुर्गियों को, जिसकी वजह से लकवा की बीमारी तो भाई एकदम आम हो जाती है। इससे बचाव के लिए आप यही कर सकते हो, ऊपर आप पैरा वगैरह डाल सकते हो, इनकी जहां पर जाली होती है वहां पर जूट के बोरे डाल सकते हो और उनमें पाइप का सिस्टम अगर करना चाहते हो तो कर दो, वरना सुबह के टाइम आप लोग थोड़ी देर के लिए इन्हें गीला कर दो भाई, जो ठंडी जो हवा आएगी उसे भाई वो कन्वर्ट करके ये बोरे ठंडी हवा पहुंचाएंगे आपके फार्म के अंदर। तो ये कारण मतलब ये चीज अगर करते हो तो भाई लकवा की दिक्कत का भाई चांसेस जो है वो 40% से लेके 50% तक कम होने वाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो इस वीडियो में मैं फटाफट से आप लोगों को दोनों चीज़ ठीक करने के लिए तरीका बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या करना है, और एकदम घरेलू वाला नुस्खा जो कि फ्री में हो सकता है आपके घर पर जो सामान है वो भी, और जो आप मार्केट से दो चीज़ें जो थोड़ी सी सस्ती और थोड़ी सी महंगी आती है वो चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो दोनों चीज़ मैंने बता दिया। तो सबसे पहले भाई बताते हैं, मान के चलो आपकी जो मुर्गा है या फिर मुर्गी है चूज़ा है उसको अगर लकवा हुआ है, ठीक है, उसको लकवा मारा, अगर वो टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा होकर चल रहा है, गिर गिर जा रहा है या फिर टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो? तो उसमें आप लोगों को दो चीज़ लेनी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हज़ार बार आप लोगों ने सुनी होगी, वो है भाई न्यूरोबियन फोर्ट। एक रुपये की एक टैबलेट आती है, 30-32 रुपये, 35 रुपये तक का भाई उसका पूरा स्ट्रिप आ जाता है, एक पत्ता पूरा जो कि 30 टैबलेट का होता है, तो चाहे 2-4-10 ले सकते हो या फिर पूरा पत्ता ले सकते हो, सस्ता मद्दा होता है। और दूसरी चीज़ लेना आपको ऑस्टोवेट जो कि कैल्शियम होता है भाई, ऑस्टोवेट जो इनके लिए वेयरबैक कंपनी का होता है जानवर के लिए, मतलब गाय बकरी या फिर मुर्गियों के लिए सबसे बेस्ट होता है, कैल्गोफास करके और बहुत सारे जो कैल्शियम है वो आते हैं लेकिन ऑस्टोवेट काफ़ी अच्छा है। तो चलो सबसे पहले बताते हैं भाई कि न्यूरोबियन का यूज़ कैसे करना है और वो किस काम में आएगी। तो भाई उसमें विटामिन बी होता है और मल्टीविटामिन, मतलब विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, और इनके अंदर विटामिन बी की कमी आती है या फिर इनको हड्डियों में कोई दिक्कत आती है, गर्दन वगैरह की जो हड्डी वगैरह है इनमें कहीं दिक्कत आती है, तो उसमें वो काम अच्छे से करेगा, दर्द वगैरह इनका है वो भी उसे काफ़ी हद तक रिलीफ देगा उससे। और दूसरी चीज़ है कैल्शियम, अगर कैल्शियम की बात करें तो भाई सबको पता है चाहे अंडे का छिलका हो या इनके हाथ पैर, मतलब जो मजबूत होने हैं अगर कैल्शियम की कमी होती है तो भाई हाथ पैर हो, इनकी बॉडी हो, पूरा सब कुछ एकदम ढीला ढीला होता है, बहुत कमज़ोर होता है। जैसे कि मैंने बताया भाई लंगड़ेपन की भी दिक्कत आ जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से, और बहुत सारी दिक्कतें आती है उससे। तो ये कैल्शियम आप लोग दे सकते हो, तो जो इनका गर्दन मुड़ रही है भाई इनमें भी काफ़ी हद तक इसी कैल्शियम से आपको आराम देखने के लिए मिलेगा। लंगड़ापन है तो भाई उससे और अच्छा रहेगा, जो मुर्गे मतलब देखा होगा आपने लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं या फिर कुछ दूर चलने के बाद थक के बैठ जाते हैं एकदम मतलब सुस्त टाइप में, और अगर अंडे के छिलके बिना, मतलब जो अंडा है बिना छिलके के बिना कवर के आ रहा है तो भाई उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ देगा और ये मुर्गी मुझसे मार खाएगी। तब बोल बोल के वीडियो में डिस्टर्ब करते भाई ये लोग क्या ही बताए। अब बताते भाई बी कॉम्प्लेक्स जो है उसे कैसे देना है, आप लोगों को पता होगा भाई ऑस्टोवेट कैसे देना, अगर नहीं पता तो भाई रात के पानी में 10-15 ml आप लोग दे सकते हो, जैसे बड़े मुर्गे हैं उनको लगभग 10-15 लीटर के पानी में 10-15 ml शाम को आप लोग, जो रात का पानी है रात में आप लोग दे सकते हो, और लगभग 100 मुर्गे में जो अडल्ट होते हैं चाहे वो देसी हो चाहे वो ब्रॉयलर हो, छोटे हो तो उनको खाली जो आपकी वही है उसे आधी कर दो, छोटे अगर हो तो आधी डोज, मतलब कि 5-5 ml तक कर सकते हो। चलो अभी बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि भाई जो न्यूरोबियन है इसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने बताया है, ऑस्टोवेट के बारे में तो काफ़ी लोगों ने बताया, ऑलरेडी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो न्यूरोबियन टैबलेट है उसको आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हो, मान चलो हफ्ते से 10 दिन का बच्चा है तो 100 बच्चों में लगभग आप लोग 2-3 टैबलेट, यही अगर महीने का बच्चा है तो लगभग 6 टैबलेट, और यही अगर तुम्हारा 3 महीने का बच्चा है तो तुम 7-8 टैबलेट कर सकते हो, और अगर बहुत बड़ा हुआ मतलब फुल साइज़ के अडल्ट बच्चे हैं एकदम बढ़िया है
तब भी उन्हें आप ज़्यादा नहीं देना, बहुत घसीट के 9 से 10 टैबलेट कर सकते हो, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना। बहुत छोटी छोटी सी टैबलेट होती है, और बी कॉम्प्लेक्स इसमें मिलती है भाई, इनको अंदर से ताकत मिलती है, इससे आपको दिक्कत नहीं आने वाली कोई। तुम सोचो कि भाई अडल्ट मुर्गे हैं, 10-10 टैबलेट दिया जा रहा पानी में इनको, और हाँ बता दूँ आपसे, 15 लीटर के पानी देने की बात कर रहा हूँ, 15 लीटर हो जाए, 20 लीटर हो जाए, उससे कोई परवाह, उससे कोई वो नहीं है, और हो सके तो रात में देना। और बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि मैंने बताया भाई, इनको ताकत देगा, इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। अभी चलो दूसरी बात बताते हैं कि भाई आप घरेलू नुस्खे, जो कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको अपनी मुर्गियों में दिखाई देते तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो वो चीज़ ऐसा है कि भाई मान के चलो आपके पास जैसे मुर्गे हैं, शुरुआती लक्षण है, तो सबसे अच्छी चीज़ है भाई अदरक, दूसरा है लहसुन, और इन दोनों को भाई पेस्ट बना लो। तीसरा भाई जो तीसरा अगर आपको मिलता है तो ठीक है, वरना तो आप दोनों चीज़ का पेस्ट बना सकते हो। तीसरा भाई सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, इसकी पत्ती लो कम से कम थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी अदरक और थोड़ी लहसुन ले सकते हो भाई। मान के चलो एक आधे मुर्गे को होगा ना, तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, 10-20 ग्राम इससे ले सकते हो, और तीनों को मस्त कूट के पेस्ट बना लो कायदे से। और इन्हें मान के चलो अगर तुम्हें पानी देना तो भाई इनका रस निकाल सकते हो, पानी मिला दे सकते हो जिस मुर्गे को दिक्कत है, और अगर ऐसे देना है तो भाई ऐसे भी खा लेंगे ये मुर्गियाँ, अगर बड़ी हैं, अगर वो खाने लायक है, वो खाना खा लेती है, तो भाई ऐसे भी अदरक लहसुन और ये मोरिंगा की पत्ती यानी कि सहजन जो है, इससे बहुत आराम से वो मुर्गियाँ खा लेगी जिसको दिक्कत है। तो लगभग ऐसे ही 10-10, 20-20 ग्राम ला के तोड़ के ला सकते हो, और तीनों चीज़ का पेस्ट बना के इनको एक किसी कटोरी वगैरह में दे सकते हो। तो ये क्या करेंगे कि भाई अदरक इतना बढ़िया काम करती है, और लहसुन ये चीज़ तो मुर्गों में, मतलब ये बर्ड में तो इतना अच्छा काम करती है, चाहे वो ज़ुकाम हो, चाहे रानी खेत की बीमारी हो, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि भाई रानी खेत की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो इनको CRD हो, या इनकी आंखों से पानी निकलना हो, इनको ठंड लग रही हो, मतलब ये काफ़ी चीज़ें भाई लहसुन और अदरक ये बहुत चीज़ें जो है कवर कर लेता अकेले भाई ये दोनों चीज़। और अगर सहजन की पत्ती की बात करें, अगर उसे आप लोग तोड़ के इसमें मिला के पीस के देते हो, तो भाई उसमें प्रोटीन काफ़ी हद तक होता है, कैल्शियम भी काफ़ी हद तक होता है, और मिनरल्स वगैरह भी काफ़ी हद तक होते हैं, और कैल्शियम की तो बात ही अलग है भाई, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है उसमें, कैल्शियम से भाई इनके अंडे वगैरह में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, और कैल्शियम इनकी हड्डी वगैरह को, जो गर्दन की है, ऐसे बॉडी की है, कहीं की भी है, तो ये बहुत अच्छे से कवर करेगी, बहुत अच्छे से मजबूत करेगी उसको, तो उसको मिलाना भाई ज़रूरी है। अगर नहीं होता कोई बात नहीं, मिल जाता है मिला लो, बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना करके देख लेना भाई। और तीसरी चीज़ भी भाई, जब इतना बता ही रहे तो तीसरी चीज़ एक और चीज़ बता देते हैं भाई, इनमें से तुम्हें कुछ भी एक चीज़ तो करना ही करना है। तीसरी चीज़ ये है कि जो क्या बोलते हैं, सरसों का तेल आता है जो बाहर से मार्केट से या फिर चक्की वगैरह से, जो बढ़िया ओरिजिनल तेल आता है वो, और जो लौंग आती है, लौंग आपको पता ही होगा ना, ये देखो फोटो में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो भाई लौंग को और सरसों के तेल को लौंग में मतलब पीस के ऐसे रख सकते हो, उसके बाद जो इसका ऑयल बनेगा थोड़ी देर बाद रखने के बाद या फिर पीस के डालने के बाद, तो उससे क्या कर सकते हो, इनकी जो गर्दन होती है जहाँ पर इन्हें लकवा मतलब जिस तरफ टेढ़ा टेढ़ा कर रहा है, तो उस पर आप लोग मालिश कर सकते हो, इससे काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। तो ये यही थी कोई 2-3-4 चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता था भाई, इससे आप लोग करके देखो, ट्राई करके देखना, और भाई न्यूरोबियन फोर्ड का तो ज़रूर से यूज़ करके देखना, सस्ती भी है, बहुत टिकाऊ भी है, बहुत अच्छी भी है, कुछ नहीं ठीक होगा ना उससे तो तुम्हारी मुर्गियों को भाई ताकत तो आ ही जाएगी, और विटामिन बी की जो कमी है वो तो पूरी हो ही जाना है। तो कुल मिलाकर ये 3 चीज़ करके देखो भाई, और उम्मीद करते कि भाई आप लोगों को भाई बेनिफिट तो ज़रूर से होगा। और ये देखो भाई, इस अंडे को मैंने मार्क करके यहाँ पर रखा था, रुको पास से दिखाता हूँ, और लगभग इसके 13 दिन हो गए, और ये सोनाली की मुर्गी है भाई, देखो अंडे सेकती है, मतलब ये सेकती भी है, और शायद से इससे बच्चा निकाल ले, और ये मुर्गी पीछे वाली काटेगी ज़रूर, और एक अंडा इन्होंने फोड़ दिया भाई, इसमें बच्चा बनने लगा था शायद, ये देखो, रुक जाओ अभी दिखाते हैं, ये देखो बर्बाद कर दिया इसने भाई, इतना बड़ा अंडा था। चलो तो जो बताना था आप लोगों को मैं बता ही चुका, उम्मीद करता है आप लोगों को भाई ये करेंगे आप लोग ज़रूर, और भाई इससे आपके मुर्गों में आराम काफ़ी हद तक होगा, तो ट्राई करिएगा, अगर ठीक होता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा भाई कैसी लगी वीडियो, ये भी बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही अमेजिंग और रोज़ डेली कंटेंट पाने के लिए। सो बस यहाँ से करते अपना वीडियो, कैंड मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।